कल राजस्थान में हुए मोदी जी के पब्लिक रैली के ये स्पीच ने, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पूरा कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम रैटल हो चुका है और उनके सपोर्टर्स इतने अनइन्फॉर्म्ड है जस्ट लाइक देयर लीडर कि वो मोदी जी को इस्लामोफोबिक कह रहे हैं। वही मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये चीज को मद्देनजर रखते हुए इस 10 साल में इस देश को आगे लेके जाने का काम करते आए हैं, पर ये सपोर्टर्स ये चीज भूल जाते हैं कि दिसंबर 9 2006 को इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि इस देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। और जब मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में आगे बढ़ रही थी, तब ये लोग हिंदू फोबिक, क्रिश्चियन फोबिक, जैन फोबिक, बुद्धिज्म फोबिक, सिख फोबिक और इतर जो धर्म है अपने भारत में, उस सब का द्वेष कर सिर्फ एक समाज को अपीस करने के चक्कर में और वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में आगे बढ़ते जा रहा था, और जो 2014 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के आते ही खत्म हो चुका है।